तो दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मंत्रा में। आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 2.3। ये सेशन में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो सारे क्वेश्चन की जानकारी के लिए बने रहें अंत तक ये वीडियो के साथ में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ सीखना है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट किस चीज़ को क्या करें वो देखते हैं। सो पहला, जब भी 1 - x² आया, सो x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा करेंगे, बिकॉज 1 - x² का फॉर्मूला 1 - sin² हो सकता है या 1 - cos²। तो हम लोग एक तो x इक्वल टू साइन थीटा डाल सकते हैं या फिर x इक्वल टू कॉस थीटा डाल सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें। उसके बाद में 1 + x² आया, सो x इक्वल्स टू टैन थीटा, x इक्वल्स टू टैन थीटा और x इक्वल्स टू कॉट थीटा, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1 + tan² या फिर 1 + cot². उसके बाद में x² - 1 आया, सो x इक्वल टू sec थीटा या फिर x इक्वल टू cosec थीटा। बहुत ही सिंपल है, आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ऐसा होगा अगर कि a² - x², सो x इक्वल्स टू a साइन थीटा और x इक्वल्स टू a कॉस थीटा डालेंगे। जब भी a² + x² होगा, सो x इक्वल्स टू a टैन थीटा और a कॉट थीटा। जब भी x² - a² होगा, सो x इक्वल्स टू a sec थीटा और a cosec थीटा। बहुत सिंपल है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में ये सब होने के बाद में जब भी 1 - x 1 - x / 1 + x होगा, सो x इक्वल्स टू tan थीटा डालेंगे ताकि फॉर्मूला बन जाए। या फिर a + a - x / a + x होगा, सो x इक्वल्स टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको ये सब ध्यान में रखनी है, ये सब ध्यान में रखेंगे। अब रूट में भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट में भी आएगा ये सब, तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना है, ईजी हो जाता है सॉल्व करने पे। अब ये सब ध्यान में रखेंगे तो। सो अब हमारे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, 3 sin inverse of x = sin inverse of 3x - 4x³। तो अब देखने से पता चलना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो फार्मूलाज आने चाहिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज हैं, वो सारे क्वेश्चन फार्मूलाज आने चाहिए ताकि हम देख के सब्स्टिट्यूट कर पाएँ कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप ध्यान में रखें कि फार्मूला पढ़नी है पहले। फार्मूलाज का हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर उसको देख लें एटलीस्ट और बाई हार्ट कर लें। देखते हैं इसमें दिख रहा है, देखने से क्या पता चलता है, 3x - 4x³। सो 3x - 4x³ ऐसा हमारे पास एक, अगर x इक्वल टू साइन थीटा डाला तो 3 sin θ - 4 sin³θ हो जाएगा, सो दैट इज sin³θ। सो ईजिली आ जाएगा। अब इसमें हमको ये प्रूव करना है तो LHS ले लेते हैं। LHS इज sin inverse of 3x - 4x³। अब देखिए ये x = sin θ, सो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू sin inverse of 3 sin θ - 4 sin³θ। सो दिस इज इक्वल टू sin inverse of 3 sin θ - 4 sin θ इज अ फॉर्मूला फॉर ऑफ sin³θ, सो इट विल बी sin³θ। साइन इनवर्स साइन चला जाएगा तो बचेगा 3θ, बिकॉज sin inverse of sin³θ will be 3θ। अब देखिए थीटा को रीसब्स्टिट्यूट करना है, सो रीसब्स्टिट्यूटिंग अब x इक्वल टू साइन थीटा था तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, सो 3 × sin inverse of x विच इज इक्वल्स टू LHS। तो हमने ये RHS को एक्चुअली सॉल्व किया था, सो RHS वॉज इक्वल्स टू LHS। बहुत सिंपल था, जैसे ये किया हमने वैसे दूसरा क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चंस देख के ही हमको पता चलना है कि क्या सब्सटीट्यूट करना है। अब इसमें भी दिख रहा है, देखिए cos inverse of 4x³ - 3x, सो x की जगह पे अगर cos 3 डालते हैं तो वो cos³θ का फॉर्मूला हो जाएगा। सो वी विल सब्सटीट्यूट, पहले RHS ले लेते हैं। सो RHS इक्वल टू cos inverse of 4x³ - 3x,
सो वी विल सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा. जब कॉस थीटा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, सो विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज कॉस 3θ का फॉर्मूला है वो 4 cos³θ माइनस 3 cos θ. तो सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर्मूला, अब कॉस इनवर्स कॉस चला जाएगा, क्या बचेगा, 3θ बचेगा. सो 3 × θ कितना है, थीटा इज वॉट, हमको री सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो री सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सो थीटा की जगह पे डाल देंगे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विच वॉज इक्वल्स टू एल एच एस. बहुत सिंपल था और सिंपल वे से हमने किया है. मतलब क्या है कि जितने भी हमको फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के वो आने चाहिए ताकि ये चैप्टर हम इजीली सॉल्व कर सकें. और वैसे भी देखिए वो पूरा फॉर्मूलाज आने ही चाहिए ताकि कैलकुलस भी सॉल्व कर पाए. हमारे पास आगे जाके कैलकुलस भी चैप्टर्स हैं जो हमको सॉल्व करनी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सो टैन इनवर्स ऑफ 1/2/11 प्लस टैन इनवर्स ऑफ 2/7/24 इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ हाफ. सो अगेन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 − xy. तो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसका तो और भी एक फॉर्मूला है लेकिन हमको पता है इधर एक्स इंटू वाई इज स्मॉलर देन 1, एक्स इंटू वाई इज स्मॉलर देन 1. अब देखिए मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1 से छोटा मिलता है, इसका मतलब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. सो मोस्टली हमको यही फार्मूला में आने वाला है, टेंशन बिल्कुल लेने की बात नहीं है. सो एल एच एस इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस टैन इनवर्स ऑफ 7/24. सो इट इज़ इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो दिस विल बी एक्स प्लस वाई, सो 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 − 2/11 इंटू 7/24. बहुत सिंपल है. अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 24 × 2 इज 48, 11 × 7 इज 77 अपॉन 11 × 24. सो 11 × 24 इसको मल्टीप्लाई ना करें बिकॉज डिनोमिनेटर में भी सेम आने वाला है, सो वो कैंसिल हो जाएगा. इस क्रॉस मल्टीप्लाई 11 × 24, सो 24 × 11, सो दिस इज 4 2 4 2, सो 264 माइनस 7 × 2 = 14 अपॉन 11 × 24. सो दिस 11 × 24 कैंसल्ड, ये टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई बताया. अब ध्यान में रख लें, सो दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 77 प्लस 48, सो 7 × 14 = 15 सो 1 and 8, so with 12 125 and this is 250, this is 1 times and this is 2 times dikhai de raha hai, means tan inverse of 1/2. kitna simple tha dosto, dekho hum bole aapko ki aap trigonometric formulas pura inverse trigonometric formulas wo bhi pura by add karo to itna easy ho jayega chapter ki aapko bas halwa lagega bhai, bahut easy ho jayega. so next question pe aate hain. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, 2 tan inverse of ½ प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/7. देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हम वो यूज़ कर सकते हैं. एल एच एस पहले यूज ले लेते हैं, 2 tan inverse of ½ प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/7. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो यूज़ करने वाला है, 2 tan inverse of x. 2 tan inverse of x का क्या फॉर्मूला है, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ 2x means 1/2, 2 × x अपॉन 1 − x², सो 1 − 1/2 का स्क्वायर. बहुत सिंपल है दोस्तों, फॉर्मूला आना चाहिए 2 tan inverse of x इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x². ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है, यूज करने के बाद में प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/7. नाउ ये किसके फॉर्म में आ गया, 2 कैंसल, टैन इनवर्स ऑफ दिस इज 1 अपॉन 1 − 1/4, सो प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/7
So it is equal to tan inverse of 4 1 4 4 माइनस 1 विल बी 3 हो जाएगा, नीचे ऊपर ये 4 चला जाएगा, 4/3 प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/7। अगेन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू वाई करते हैं तो दिस इज लेस देन 1, मतलब 4 1 4 7 21 लेस देन 1 बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है। सो हम लोग वापस से वही फॉर्मूला, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy बिकॉज एक्स इंटू वाई इज लेस देन 1। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, सो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। बहुत सिंपल सा है दोस्तों। सो दिस इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ, अब देखिए कैलकुलेट करना है, 7 4 28 प्लस 3 1 3 अपॉन 7 इंटू 3 द होल अपॉन 7 3 21, 21 इंटू 1 इज 21 माइनस 4 अपॉन 7 इंटू 3। अब ये 7 इंटू 3 7 इंटू 3 कैंसिल, इट इज टैन इनवर्स ऑफ 28 प्लस 3 इज 31 अपॉन 21 माइनस 4 इज 17, हेंस इट इज इक्वल्स टू RHS। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, सब फॉर्मूलास आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्मूलास एक बार आ गया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि सम आप कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x² माइनस 1 अपॉन द होल अपॉन x। यू हैव टू राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए लिख लेते हैं, टैन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन x। हमने बताया था जब भी 1 प्लस x² आएगा तो x इक्वल्स टू टैन थीटा या फिर कॉट थीटा। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू टैन थीटा, सो y विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। अब दिस इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, सो रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा, इट इज इक्वल्स टू। अब देखिए टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा विल बी सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। अब सिंपल है, इसको साइन कॉस में लिखते हैं पहले, सो टैन इनवर्स ऑफ सेक इज 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस इसको सिंपलीफाई करेंगे, टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन कॉस थीटा द होल अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैंसल, दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, अब देखिए 1 माइनस cos² इज 2 sin² थीटा बाई 2, 2 sin² थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज थीटा बाई 2 के फॉर्म में 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सो ये फॉर्मूलाज जितने भी हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 11th में पढ़े थे, आपको सब जानकारी होनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आप जरूर उसको फॉलो करो और पढ़ लो। टू टू को कैंसिल, दिस साइन और एक साइन कैंसिल, मीन्स टैन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। सो दिस इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ साइन बाई कॉस इज टैन थीटा बाई 2, सो टैन थीटा बाई टू, टैन इनवर्स और टैन चला जाता है दोस्तों, क्या बचेगा थीटा बाई 2। सो थीटा इज वॉट, अब हमको थीटा तो रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूटिंग थीटा एज थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ एक्स, सो टैन इनवर्स ऑफ एक्स, सो ये हो जाएगा हाफ और थीटा के जगह पे टैन इनवर्स ऑफ एक्स। सो दिस इज रिड्यूस्ड सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन x। सिंपल था बहुत, सिर्फ आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हैं सब आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, टैन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x² वापस से देखिए, जितने भी हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग में क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो सब ध्यान में रहने चाहिए। सो हम लोग लिख लेते हैं, वाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ 1/√x² माइनस 1।
अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स आया एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो क्या सब्सटीट्यूट करते हैं? वी विल सब्सटीट्यूट एक्स एज सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। सो सेक थीटा डालते हैं, सो वाई विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सो दिस विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वन बाई रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज टैन स्क्वायर थीटा, तो डाल दिया टैन स्क्वायर थीटा। सो टैन इनवर्स ऑफ वन बाई दिस इज रूट और स्क्वायर कैंसल, टैन थीटा बच जाएगा। वन बाई टैन थीटा इज कॉट थीटा, सो टैन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा। अब देखिए कॉट थीटा लिखने के बाद में, टैन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा लिखा हमने, बट व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कॉट विथ टैन, बिकॉज आगे टैन इनवर्स है तो अंदर भी टैन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे? टैन इनवर्स ऑफ कॉट इज नथिंग बट टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, सो कॉट थीटा इज टैन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, सो टैन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। बहुत सिंपल था, टैन इनवर्स टैन चला जाएगा, बचेगा क्या? पाई बाई टू माइनस थीटा, सो इट विल बी पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट थीटा एज सेक इनवर्स ऑफ एक्स, सो सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो थीटा के जगह पे डाल देंगे सेक इनवर्स ऑफ एक्स, एंड हेंस दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत सिंपल था, जितने भी फॉर्मूलाज है आपको निचोड़ देगा, मतलब पूरा का पूरा आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए तो ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, हमारे पास टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ये तो इसमें सब्सटीट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है आपको, फॉर्मूला की जानकारी होनी चाहिए। सो टैन इनवर्स ऑफ वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला है? वन माइनस कॉस एक्स इज टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो लिख देंगे टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बस डाल दिया टू टू, दिस कैंसल्ड, दिस इज टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ। अब देखते हैं साइन अपॉन कॉस इज टैन, उसका स्क्वायर है, तो दिस विल बी टैन स्क्वायर एक्स बाई टू। सो टैन इनवर्स ऑफ स्क्वायर और रूट कैंसल, क्या बचेगा? टैन ऑफ एक्स बाई टू, टैन इनवर्स टैन चला जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स बाई टू। बहुत ही सिंपल था, ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे वही बोला मैंने कि फॉर्मूला सब ध्यान में रखनी है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं वो आपको आने ही चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए दोस्तों, ये जब सॉल्व करेंगे तो वापस से हमने 11th में कुछ ऐसा सॉल्व किया था, पहले अंदर वाले को भी हम टैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे? कॉस अपॉन, देखिए साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टैन आ जाएगा, कॉस अपॉन कॉस करेंगे तो वन आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स। सो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स द होल अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बहुत सिंपल है दोस्तों, सो दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ कॉस बाई कॉस इज वन माइनस साइन बाई कॉस इज टैन एक्स अपॉन कॉस बाई कॉस इज वन प्लस साइन बाई कॉस इज टैन एक्स। अब क्या करेंगे? टैन इनवर्स ऑफ दिस इज, देखिए वन को हम लिख सकते हैं टैन ऑफ पाई बाई फोर, टैन ऑफ पाई बाई फोर इज वन, सो टैन ऑफ पाई बाई फोर माइनस टैन एक्स अपॉन वन प्लस वन इंटू टैन एक्स है, मतलब वन को हम लोग टैन पाई बाई फोर इंटू टैन एक्स लिख सकते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किसके फॉर्म में आ गया? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टैन एक्स माइनस टैन ऑफ ए, बिकॉज एक्स यूज कर रहे हैं तो नाम अलग डाल देते हैं, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन माइनस वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ये इसके फॉर्म में है, टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। बस ए इज पाई बाई फोर एंड बी इज एक्स, सो दिस इज टैन इनवर्स ऑफ, ये हम फॉर्मूला इसमें यूज कर रहे हैं, टैन इनवर्स ऑफ दिस इज टैन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ ए माइनस बी, ए इज पाई बाई फोर माइनस बी इज एक्स। सो टैन इनवर्स टैन फिर से चला जाएगा, क्या बचेगा? पाई बाई फोर माइनस एक्स। सिंपल था दोस्तों, दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है?
टैन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। सिर्फ फॉर देखिए, हम इसमें सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं, वापस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था तो मैंने बताया था जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वाई इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा पुट करेंगे। बताया था सब्सटीट्यूशन, जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वो ही सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सो वाई विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज व्हाट, ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर बाहर तो अंदर बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, टैन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए ए कैंसल्ड, क्या बचा, टैन इनवर्स ऑफ, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा कॉस और रूट कैंसल, सो बचेगा कॉस थीटा। सो दिस इज टैन इनवर्स ऑफ साइन बाई कॉस इज टैन थीटा, सो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा इज थीटा। थीटा क्या है, रीसब्स्टिट्यूटिंग। अब देखिए, हम लोग अगर x इक्वल्स टू ए साइन थीटा लिखा हुआ है, सो x बाई ए विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन, सामने गया तो साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, सो वी विल रीसब्स्टिट्यूट थीटा एज साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, खाली आपको फॉर्मूलाज ध्यान में रखनी है और उसको अप्लाई करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a इनटू x स्क्वायर। अब देखिए, ये फार्मूला टाइप में दिखाई दे रहा है, अगर x इक्वल्स टू, जहां भी a आएगा फार्मूला में, x के जगह पे a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर। वी विल सब्स्टिट्यूट एक्स एज ए टैन थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 3 ए स्क्वायर, एक्स के जगह पे ए टैन थीटा, एक्स क्यूब के जगह पे इनका क्यूब, मतलब ए क्यूब टैन क्यूब थीटा अपॉन दिस इज ए क्यूब माइनस 3 ए, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मीन्स वॉट, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, दिस इज टैन इनवर्स ऑफ, अब दिस इज 3 ए क्यूब टैन थीटा माइनस ए क्यूब टैन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए इंटू ए स्क्वायर विल बी ए क्यूब टैन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में से ए क्यूब कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में से भी ए क्यूब कॉमन लेंगे, सो टैन इनवर्स ऑफ ए क्यूब कॉमन लिया तो 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब कॉमन ले लिया तो इधर से बचेगा 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब कैंसल्ड, क्या बचा, दिस इज टैन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला बन गया 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, सो ये किसका फॉर्मूला बना, टैन 3 थीटा का, सो लिख देंगे दिस इज इक्वल टू टैन 3 थीटा। अब टैन इनवर्स टैन चला जाएगा, क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा, बिकॉज टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा इज थीटा, सो लिख दिया 3 थीटा, सो 3 इंटू थीटा कितना है देखते हैं, हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इक्वल्स टू a टैन थीटा, सो टैन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स बाई ए, टैन सामने गया तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए विल बी इक्वल टू थीटा, सो 3 इंटू टैन थीटा कितना है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, सो इसका वैल्यू कितना मिला, 3 टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। बहुत सिंपल था दोस्तों, सिर्फ आपको फॉर्मूला सब ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वाई इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स ऑफ हाफ। बहुत सिंपल है, इसमें पहले अंदर वाले में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू डालेंगे, सो टैन इनवर्स ऑफ 2 कॉस ऑफ, पढ़ा था हमने 2 इंटू,
अब साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन हाफ कब होता है? साइन का रेंज माइनस पाई से लेके पाई बाई टू तक है। अब माइनस पाई से लेके पाई बाई टू तक है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताया था मैंने, जैसे अब इसमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक साइन का रेंज मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसमें साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन हाफ कब है? साइन हाफ आपका 30 पे होता है। 30 मतलब पाई बाई सिक्स, मतलब इसका जो वैल्यू मिलेगा पाई बाई सिक्स। सो लिख देंगे पाई बाई सिक्स प्रिंसिपल वैल्यू। 2 1 2, 3 6 मतलब टैन इनवर्स ऑफ 2 cos of π/3। नाउ दिस इज टैन इनवर्स ऑफ 2 cos π/3। कॉस पाई बाई थ्री क्या है दोस्तों? कॉस पाई बाई थ्री मीन्स 60, कॉस 60 इज हाफ, तो लिख दिया हाफ। 2 2 गेट कैंसल, दिस इज टैन इनवर्स ऑफ 1। अब टैन का रेंज वापस से माइनस पाई से पाई बाई टू मतलब यही है, टैन इज पॉजिटिव इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड 1 कब होगा? 1 जब 45 मतलब पाई बाई फोर। सो डायरेक्टली लिख देते हैं पाई बाई फोर, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉट ऑफ टैन इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ए। देखते हैं वाई इक्वल टू कॉट ऑफ टैन इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ए। सो दिस इज कॉट ऑफ टैन इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ए। हमने पढ़ा था टैन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉट, सो टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज गोइंग टू बी पाई बाई टू। बस लिख दिया पाई बाई टू। नाउ कॉट ऑफ पाई बाई टू तो कॉट 90 इज गोइंग टू बी जीरो, हो गया सिंपल। बहुत ही सिंपल था दोस्तों, खाली फॉर्मूलाज आने चाहिए, बस फॉर्मूला आते रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम अलग अलग वैल्यूज निकाल लें या फिर डायरेक्ट वैल्यू डाल दें, हमने ये सब सारे प्रूव करके रखे हैं। सो लिख लेते हैं वाई इक्वल टू टैन ऑफ हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x/1+x² प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1-y²/1+y². बहुत सिंपल है दोस्तों। टैन ऑफ हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x/1+x², ये डायरेक्टली फॉर्मूला हमने बताया था, फॉर्मूला सॉल्व करके, कि वो आएगा 2 tan inverse of x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1-y²/1+y². अगेन ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि 2 tan inverse ऑफ, ये y के फॉर्म में है तो y हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, टैन ऑफ हाफ इंटू, दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, सो हाफ इंटू टैन इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y। बहुत सिंपल है दोस्तों। सो टैन ऑफ 2 2 कैंसिल, अब क्या बचा, टैन इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y इज टैन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1-xy। सिंपल है, टैन इनवर्स ऑफ टैन टैन और टैन इनवर्स चला जाएगा, क्या बचा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1-xy। सिंपल, बहुत ही सिंपल था। सिर्फ फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, फॉर्मूला हमेशा देख के क्वेश्चन कहाँ कैसे अप्लाई करना है पता होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए। जब फॉर्मूलास आते रहेंगे तभी हम ये पता कर सकते हैं। तो आप जरूर फॉर्मूला पढ़ें, फॉर्मूला पे स्ट्रेस डाल रहा हूं, मतलब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले साइन सामने लेके चले जाते हैं, सो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 इज गोइंग टू बी, साइन 1 कब होता है, जब 90 होता है, तो दिस इज पाई बाई टू। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 1/5 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स इक्वल्स टू 1/5। बहुत ही सिंपल था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन. इक्वेशन कैसा है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर. अभी हम लोग पहले tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. सो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस y मीन्स x माइनस वन अपॉन x माइनस टू प्लस x प्लस वन अपॉन x प्लस टू द होल अपॉन वन माइनस x माइनस वन अपॉन x माइनस टू इंटू x प्लस वन अपॉन x प्लस टू. बहुत ही सिंपल है दोस्तों. देखिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, tan inverse of x plus tan inverse of y that is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy and that is equals to pi by 4. Simple. अब tan inverse सामने चला जाएगा, so this will be tan of pi by 4. इसको solve करनी है cross multiply करके, so x minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2 the whole upon ये यहाँ, सो नीचे आया x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू द होल अपॉन ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होगा, सो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन द होल अपॉन x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू. अब देखिए ये और ये कैंसिल. tan ऑफ pi by 4, tan pi by 4 कितना होता है, tan pi by 4 is 1, सो सब्स्टिट्यूट कर दिया 1. अब इसको सॉल्व करना है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, सो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर. डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं यूज कर सकता था बट आपको बता रहा हूं कैसे कर रहे हैं. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू टू विल बी 2x, देन ये हो गया मल्टीप्लाई, फिर इसका 1 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू प्लस 2 विल बी माइनस 2. बहुत सिंपल था, जैसे ये किया इसका भी वैसे ही, प्लस x into x will be x square, x into 2 is minus 2x, 1 into x will be 1x, then 1 into minus 2 is minus 2, the whole upon, this is a minus b, a plus b ke form mein x square minus 2 ka square, minus of, again yahan bhi waisa hi x square minus 1 square, ye bracket mein likha because beech mein sign minus hai, toh ye andar ka sign sab change hoga baad mein. So kya kya cancel ho raha hai, dekhe, plus 2 minus 2, minus x plus x. So this is x square plus x square is 2x square, minus 2 minus 2 is minus 4, upon this is x square minus 4 minus x square plus 1 equals to 1, plus x square minus x square cancel ho jayega. So this is 2x square minus 4 upon this is 3 total minus 3 equals to 1, so 2x square minus 4 equal to minus 3 cross multiply. So 2x square equal to minus 3 plus 4 equal to cross कर रहा है तो minus 4 equal to cross कर रहा है तो plus 4 हो जाएगा. So 2x square equals to 1. So x square equals to 1 by 2. 2 को cross multiply. So x equal to plus or minus root of 1 by 2. Root of 1 is 1. Root of 2 is root 2. बहुत simple है दोस्तों. बहुत मजेदार question था. Next question पे आते हैं हमारे. Next question कैसा है? Sin inverse of sin of 2 pi by 3. कैसे solve करेंगे? बहुत simple सा है. Sin of 2 pi by 3. अब इसका साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 का वैल्यू लिखेंगे. पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पाई के फॉर्म में लेके आते हैं. सो साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 मीन्स 3 पाई माइनस पाई बाई 3. बहुत सिंपल है. सो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ दिस इज पाई माइनस पाई बाई 3. सिंपल है. सो दिस इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल है. सो साइन ऑफ पाई बाई 3, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज वॉट, साइन थीटा. सो साइन ऑफ पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स साइन चला जाएगा, सो इट विल बी पाई बाई 3. बहुत सिंपल है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास, टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ 3 पाई बाई 4. अब देखिए ये सारे इसके पहले भी जो हमने किए थे ये स्टैंडर्ड एंगल, ये प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं था, तो पहले प्रिंसिपल वैल्यू में हम उसको उसके रेंज में लेके आए एक्चुअली, तो रेंज में लेके आने के बाद में ही हम लोग सब सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ 3 पाई बाई 4, अब वापस से वैसे ही y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ 3 पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4. बहुत सिंपल है. सो टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, सो इट इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ
tan of, this is tan pi minus theta is minus tan theta, so it will be minus of tan of pi by 4. सबसे सिंपल है. सो टैन इनवर्स ऑफ, देखिए पहले माइनस को अंदर डालना पड़ेगा. सो हमने पढ़ा था टैन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा, तो वो यूज कर लेते हैं. सो हम लोग माइनस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टैन ऑफ माइनस थीटा. सो टैन ऑफ माइनस पाई बाई फोर लिख देते हैं. अब टैन इनवर्स टैन चला जाएगा, माइनस पाई बाई फोर वैल्यू बचेगी. बहुत सिंपल है. एंड दिस बिलोंग्स टू वट, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू. सो वैल्यू करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, tan of sin inverse of 3 by 5 plus cot inverse of 3 by 2. So this is tan of, अब ये sin को भी हम cos के फॉर्म में लिखेंगे अगले स्टेप में. तो 3 by 5 पहले क्वेश्चन लिख लें, प्लस cot inverse of 3 by 2. अब देखिए y इक्वल टू दिस, हम क्या करते हैं इसको भी हम tan के फॉर्म में लिखेंगे, और इसका तो tan हो जाएगा बिकॉज उसका reciprocal है tan. तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेट थीटा इक्वल टू sin inverse of 3 by 5. सो साइन इनवर्स आपने कहा, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5. अब साइन थीटा, अगर हमने ये थीटा ले लिया तो साइन इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो ये 3 और ये 5 हो जाएगा. बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा 4. सो लिखेंगे हम लोग क्या, टैन थीटा इज इक्वल्स टू, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4. सो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 3/4. थीटा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 3/4. अब हम लोग क्या कर देंगे, टैन ऑफ दिस विल बी टैन इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2, उसका उल्टा कर दें टैन हो जाएगा. सो टैन इनवर्स ऑफ 2/3. बहुत सिंपल था, अब दोनों टैन में आ गया. वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ टैन इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y. व्हाट फॉर्मूला वी हैव, वी हैव tan inverse of x plus y, so it will be 3/4 plus 2/3 upon 1 minus xy, मतलब 3/4 into 2/3. बस फॉर्मूला यूज कर दिया, tan tan inverse चला जाएगा, क्या बचेगा, ये खाली बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3s of 9 plus 4 2s of 8 upon 3 4s of 12 upon 3 4s are 12, 12 1s are 12, minus 3 2s are 6 upon 12. This 12 get cancelled off, 8 minus 9 is 17 upon 12 minus 6 is 6. So 17/6 is the value of this, tan of sin inverse of 3/5 plus cot inverse of 3/2. बहुत सिंपल है, सब फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, cos inverse of cos of 7π/6. हम लोग ऐसा दिख रहा है, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल कर दे, 7π/6 आ गया आंसर, कॉस इनवर्स कॉस चला जाएगा. बट ऐसा नहीं है, ये 7π/6 डज नॉट लाइज बिटवीन 0 एंड पाई. सो इसको क्या करते हैं वो देखते हैं. सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 7π/6. ये 7π/6 जो है वो हमारा 0 से पाई बाई पाई के फॉर्म में नहीं आता है, 0 से पाई के बीच में नहीं आता है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे एज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, दिस इज वॉट, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज 12 के फॉर्म में लेके आते हैं, 12 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6. सो ये आ गया. सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 12 पाई बाई 6, मतलब 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6. अब हमारे पास फॉर्मूला था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ माइनस 5 पाई बाई 6. अब देखिए cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 5 पाई बाई 6, सो cos इनवर्स cos चला जाएगा. अब ये 5 पाई बाई 6 लाइड्स बिटवीन 0 एंड पाई, सो डायरेक्टली 5 पाई बाई 6 इज अ वैल्यू, मतलब से बी ऑप्शन इज करेक्ट, इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत मजेदार है नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों. अब हम इसको क्या करेंगे, साइन ऑफ पाई बाई 3 तो ऐसे ही रखेंगे माइनस, इसको सॉल्व करके इसका प्रिंसिपल वैल्यूज लेके आएंगे. अब साइन इनवर्स ऑफ हाफ माइनस हाफ इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं जेड. सो ये हो जाएगा साइन जेड इक्वल्स टू 1/-1/2. अब हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं. साइन का रेंज कितना है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. साइन नेगेटिव किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. अब वो हाफ कब है, जब 60 है, 30 है, 30 मतलब पाई बाई 6, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेगेटिव पाई बाई 6. सो साइन दिस साइन ऑफ नेगेटिव पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस हाफ.
मतलब z इक्वल टू माइनस वन बाई पाई बाई सिक्स। अब z क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स। सो लिख देंगे डायरेक्टली इसके जगह पे माइनस पाई बाई सिक्स। अब दिस इज साइन ऑफ, अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, सो डिनोमिनेटर सिक्स, दिस इज टू पाई माइनस माइनस प्लस पाई। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थ्री पाई बाई सिक्स, थ्री वन सा थ्री टू सा, सो साइन ऑफ पाई बाई टू मतलब साइन नाइनटी इज वॉट वन। बहुत सिंपल सा था दोस्तों, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं आएगा तो आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री। ये वैल्यू आप निकालोगे और कॉमेंट सेक्शन में जरूर डालोगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच पाए। और हाँ एक ज़रूरी सूचना, आप बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।